कांग्रेस ने साल 2018 में शुरुआत में 114 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, लेकिन दो साल बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई कांग्रेस विधायकों ने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी खेमे में शामिल हो गए। नतीजा ये हुआ कि राज्य में सत्ता परिवर्तन हो गया। शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बने। इन दो वर्षों के अलावा वे पिछले 15 वर्षों के राज्य के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी ने चुनाव से पहले किसी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की थी, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार का मुख्य चेहरा बने। इस राज्य में 17 नवंबर को वोटिंग हुई थी। गुरुवार यानी 30 नवंबर को तेलंगाना में मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मध्य प्रदेश एग्जिट पोल के नतीजे जारी किए गए। कुछ एग्जिट पोल ने कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर बता रहे हैं, वहीं तो कुछ बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान की सरकार की वापसी का अनुमान लगा रहे हैं। पोल स्ट्रीट के अनुमान के मुताबिक 2023 के चुनाव में 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस को 111 से 121 सीटें मिल सकती हैं। राज्य में सरकार बनाने के लिए 116 जादुई आंकड़ा है। बीजेपी इस राज्य में 106 से 116 सीटों पर कब्जा कर सकती है, अन्य को 0 से 6 सीटें मिल सकती हैं। इसलिए ये कहना संभव नहीं है कि वे सरकार नहीं बना पाएंगे। पोल स्ट्रीट सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश चुनाव में मतदान के मामले में भी कांग्रेस आगे रह सकती है। कांग्रेस को 45.6% वोट मिल सकते हैं, वहीं बीजेपी को 43.3% वोट मिल सकते हैं। CNX एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 140 से 158 सीटों के साथ आसान जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 70 से 79 सीटें मिल सकती हैं। वहीं टाइम्स नाउ ETG ने भविष्यवाणी की है कि भाजपा 105 से 117 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस 109 से 125 सीटें हासिल कर सकती है। एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी को 140 से 162 सीटों के साथ शानदार जीत दिलाई है, जबकि कांग्रेस को महज 58 से 90 सीटें मिल सकती हैं। चाणक्य का अनुमान है कि बीजेपी 230 सीटों पर 151 सीटों के साथ जीत हासिल करेगी, जबकि कांग्रेस को 84 और अन्य को 5 सीटें मिलने के अनुमान है। बता दें कि चुनाव में कांग्रेस के अभियान का नेतृत्व राज्य इकाई के अध्यक्ष और पूर्व CM कमलनाथ ने किया, जिनका समर्थन पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, जबकि भाजपा की शिवराज सिंह चौहान 2018 और 2020 के बीच की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर 2005 से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी सत्ता में वापसी की पूरी ताकत लगा रही है।